फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ के गले के ऊपर या स्लीव्स का जो बॉटम होता है उसके ऊपर तुरपाई कैसे करते हैं ये देखते हैं, क्योंकि ये हमारी हमने ये स्लीव्स की कटिंग की है। तो स्लीव्स का ये जो बॉटम होता है, तो स्लीव्स के बॉटम के ऊपर जब हम फोल्ड करते हैं, इस तरह से हम फोल्ड करके यहाँ पर हमें डबल फोल्ड करना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से तुरपाई करनी पड़ती है। यहाँ पे हम रफ सिलाई लगाते हैं और बाद में हम इसको तुरपाई करते हैं, तो देखने में भी ये इस साइड से जैसे सीधी साइड में देखने में भी ये अच्छी दिखती है। तो ये जो तुरपाई है तो हम फॉल लगाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम साड़ी का फॉल जो होता है वो लगाते हैं, या ब्लाउज़ के गले के ऊपर भी हम तुरपाई करते हैं, या कुर्ती के गले के ऊपर भी हम तुरपाई करते हैं, और जो स्लीव्स का जो बॉटम है उसके ऊपर भी हम तुरपाई करते हैं। तो इसे कैसे करना है, तो यहाँ पे हमने ये स्लीव्स की कटिंग की है। अब इसे हमें इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे। दोबारा फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें सुई में ये धागा लिया है। आप चाहे तो सिंगल धागा भी ले सकते हैं या डबल धागा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से यहाँ पे हमें तुरपाई करनी है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा नीचे का जो कपड़ा है वो भी लेंगे और ऊपर के साइड में इस तरह से इसे लेके इस तरह से हमें ये तुरपाई करनी है। इसे जो है पहले हमें रब सिलाई लगानी पड़ती है, फिर उसके बाद इसके ऊपर हमें ये तुरपाई करनी है। ये जब हम तुरपाई करते हैं तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है ये भी सेम रखना है। ये बीच वाला जो गैप होता है इसे भी हमें सेम रखना है। इस तरह से ये उल्टे साइड में हमारा ए इस तरह से आता है और सीधी साइड में हमारा इस तरह से ये तुरपाई आती है। तो हम पूरे बॉटम में इसे तुरपाई करेंगे। इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर पहले हम मशीन से सिलाई लगाते हैं, फिर यहाँ पे हमें तुरपाई करनी पड़ती है। इस तरह से हमें ये पूरे बॉटम में ये तुरपाई करनी है। सीधी साइड में हमारा इस तरह से आती है और उल्टी साइड में हमारे इस तरह से दिखती है। इस तरह से हमें ये पूरे स्लीव्स के बॉटम के ऊपर यहाँ पे हमें ये तुरपाई करनी है। इस तरह से हमने ये बिना सिलाई की, जैसे हमें पहले सिलाई लगानी पड़ती है लेकिन हमने डबल फोल्ड करके आपको
तुरपाई कैसे करनी है ये मैंने आपको दिखाई है। सीधी साइड में ये इस तरह से दिखती है और उल्टे साइड में ये इस तरह से आती है। तो आप स्लीव्स के ऊपर भी तुरपाई कर सकते हैं, गले के नेक के ऊपर भी, जैसे कुर्ती ब्लाउज के ऊपर भी हम तुरपाई करते हैं, तो इसी तरह से ये तुरपाई करनी है। और जो फॉल लगाते हैं हम साड़ी के लिए, जो फॉल लगाते हैं हाथ से, तो बॉटम में भी और ऊपर के साइड में भी वो तुरपाई कर सकते हैं, या ऊपर के साइड में जैसे नीचे हम पीको करते हैं और ऊपर के साइड में ऐसे इस तरह से तुरपाई करेंगे, तो ये फॉल भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सिंपल सा तुरपाई आपके करके दिखाई है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।